वेलकम टू एक्सट्रीम कंट्रोल्स एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लेकर आए हैं एक और नया मॉडल मिल्क एटीएम का, मोबाइल मिल्क एटीएम वैन पे। और इसकी अच्छी बात यह है कि इस मॉडल में कुछ नया है, और नया ये है कि ये इसके अंदर मिल्क टैंक है, डिस्पेंसिंग है, और साथ के साथ इसी में रेफ्रिजरेशन भी है। तो इसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसी के अंदर ही माउंट है। आइए दिखाते हैं। तो ये 500 लीटर का टैंक है, और ये इसका चिलिंग यूनिट है। थोड़ा प्रॉपर आगे प्रॉपर ठीक है। ये इसका कंप्रेशर चिलिंग यूनिट है, और ये चैसी माउंट है। यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से अगर बॉक्स बनवाने हो तो बॉक्स भी बनाए जा सकते हैं। और ये हमारी मशीन फिलहाल गोरखपुर में जाके लगेगी। ये हमारा इसका डिस्पेंसिंग चैम्बर है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। ओके सर, ठीक है ना। यहाँ इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, ये डिस्पेंसिंग यूनिट है। यहाँ पे जग रखते हैं, प्रॉपर डिस्पेंस लिया जाता है इस तरह से। लोग अपना जग रख के डिस्पेंस ले सकते हैं। और हमारी मशीन की पूरी एक्यूरेसी आती है अप्रॉक्सीमेट 1 ml तक। और ये हाईली रिलायबल मॉडल है। कार्ड है इसका। मैं आपको एक 360 डिग्री इसका व्यू दिखा देता हूँ। पूरी मशीन आनी ठीक है। तो जैसे देख पा रहे हैं कोई बटन दबाएंगे, फ्रेश मिल्क एटीएम में आपका स्वागत है। और एक टच बटन होगा, यहाँ पे लोग QR UPI से भी पे कर सकते हैं, और स्मार्ट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो इस यूनिट से लोग अपना फ्रेश मिल्क भेज सकते हैं। तो इससे अपना लोग अपना फ्रेश मिल्क ताज़ा का ताज़ा ऐसे भेज सकते हैं, और वो ख़राब भी नहीं होगा। उसके अंदर चिलिंग यूनिट भी है, और चिलिंग यूनिट इनसाइड होने से कॉस्ट भी बचती है, स्पेस भी बचता है, और लोग आराम से अपना जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल यूनिट है। उनको हमेशा मिल्क निकाल के वापस BMC में नहीं डालना होगा, BMC से वापस इसमें नहीं डालना होगा। एक बार आपने मिल्क निकाला और सीधे इसमें डाल दिया, ये चिलिंग भी करेगा और डिस्पेंस भी करेगा, वेंट करेगा। तो इसे डायरेक्ट सेल करें और फिर उसके बाद फिर इसको चिलिंग करें। अगर मीनवाइल अगर कभी भी लगता है कि इसको इसकी ठंडक कम हो गई है, तो कहीं भी प्लग लगा दें, एसी मेंस जहाँ मिल जाए और वहाँ ठंडा हो जाएगा ये। तो ये 2-in-1 है। थैंक यू, हम मिलेंगे आप किसी नए मॉडल में, नए किसी नए वीडियो में।